मित्रों, गायत्री मंत्र जिसे ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र माना जाता है, इस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, अपने व्यक्तित्व में ढेर सारा बदलाव ला सकता है। वैज्ञानिकों के द्वारा भी गायत्री मंत्र जो है उसकी बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके अंदर कई प्रकार के परिवर्तन वैज्ञानिकों ने पाए हैं। आज के समय में गायत्री मंत्र का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप स्कूल कॉलेजों में भी जाएंगे तो स्कूलों में भी प्रेयर के समय गायत्री मंत्र बुलवाया जाता है। हर शुभ कार्य में आजकल गायत्री मंत्र बोला जाता है। ऐसी स्थिति में हम सभी को इस मंत्र की शक्ति से वंचित नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अछूता ना हो। इस मंत्र को हर वर्ग के व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, वो इसका जाप कर सकता है। महिलाएं, बच्चियां, विधवा सभी इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। इस मंत्र का जाप, इस मंत्र की साधनाएं किस प्रकार, कब और कैसे करें, इसी के संदर्भ में आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप इन विधियों के द्वारा गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की साधनाओं के बारे में बहुत सारे बिंदुओं पर बताया है कि किस किस प्रकार की साधनाएं व्यक्ति को करना चाहिए। एक होती है दैनिक साधना, दूसरे होते हैं अनुष्ठान। तीन प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, एक लघु, मध्यम और पुरुष चरण। लघु अनुष्ठान आप कभी भी कर सकते हैं, चैत्र की नवरात्रि में या आश्विनी की नवरात्रि में कर सकते हैं, उस समय आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा दो गुप्त नवरात्रियां भी रहती हैं, उसमें भी यदि आप गायत्री की साधना करते हैं, लघु अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। सवा लाख का अनुष्ठान आप किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी, एकादशी या पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं। पुरुष चरण की एक बहुत बड़ी लंबी साधना होती है, उसे ग्रस्त व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ती हैं। लघु अनुष्ठान और पुरुष चरण और सवा लाख के अनुष्ठानों के बारे में हमने वीडियो डाले हुए, आप उनको हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और उनमें किस किस प्रकार की सावधानियां आदि रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। सर्वप्रथम दैनिक साधना पे आते हैं। जो भी व्यक्ति दैनिक साधना गायत्री की करना चाहता है, तो सबसे पहले जब आप गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए जा रहे हैं, तो किसी भी मंत्र का जाप आप करते हैं तो उसके लिए गुरु वरण आवश्यक होता है। तो आज के समय में एक ऐसा युग पुरुष हमारे बीच में आया है जिसने कि गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुँचा दिया है। पहले लोग गायत्री मंत्र का जाप करने से डरते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु वरण करना चाहिए। तो उसकी हम आपको आज तीन विधि बता रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु वरण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, आप किसी भी दिन अपने टेरेस पर या छत पर खड़े हो जाएं, जैसे जब सूर्य उदय होता है उस समय आप स्नान आदि करके खड़े हो जाएं, और वहाँ पर सूर्य में जो है आप परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का ध्यान करते हुए
24 बार मन ही मन गायत्री मंत्र बोल लें और उन्हें अपना गुरु वरण कर लें। यह एक सबसे सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप गुरु वरण कर सकते हैं। दूसरा है, आपके आसपास में कोई भी गायत्री शक्तिपीठ हो, वहाँ के कार्यकर्ताओं से आप संपर्क करके और वहाँ जा करके आप विधि विधान पूर्वक गुरु दीक्षा वरण कर सकते हैं। तीसरी विधि है कि आप शांति कुंज हरिद्वार जा करके, और वहाँ पर यदि आपके आसपास है या आपका शांति कुंज हरिद्वार जाना हो रहा है तो फिर वहाँ जा करके आप जो है दीक्षा ले लें, और उसके पश्चात यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। दैनिक साधना में कम से कम व्यक्ति को 24 बार गायत्री मंत्र अवश्य बोलने चाहिए, या फिर 108 बार यदि आपके पास समय है तो 108 बार या तीन माला यानी 324 बार गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। जाप करने के लिए आप जो अपनी पूज्य स्थली पर पूज्य गुरुदेव गायत्री माता परम वंदनीय माता जी उनका जो संयुक्त चित्र आता है उसको स्थापित कर लें, एक पीला कपड़ा बिछा लें और उसको स्थापित कर दें। संभव हो सके तो पूर्व मुख में, यदि आपके यहाँ जगह है तो पूर्व मुख में आप उसे रख लें, और स्नान आदि करने के पश्चात में पीले वस्त्र आप धारण कर लें। यदि पीले वस्त्र पूरे नहीं हैं तो एक दुपट्टा आप पीला ओढ़ करके बैठ जाएं, और फिर आप जो है गायत्री मंत्र का आप नियमित रूप से एक माला या तीन माला का आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे। साधना करते समय, जाप करते समय आपको क्या करना चाहिए, आप अनुष्ठान कर रहे हैं या दैनिक साधना कर रहे हैं उस समय आपको एक कलश रखना चाहिए, कलश में आपको जल रखना चाहिए और एक घी का आपको दीपक प्रज्वलित करके रखना चाहिए। कर्मकांड में पहले पवित्रीकरण कर लें, यदि मंत्र नहीं आता तो भावना करें कि हमारा शरीर जो है वो पवित्र हो रहा है। इसके बाद तीन बार जल से आचमन कर लें मन वचन और कर्म के लिए, और उसके पश्चात में शिखा यानी चोटी के स्थान पर थोड़ा सा जल लगा लें और इस स्थान को पवित्र कर लें। इसके पश्चात में न्यास की क्रिया कर लें, मुँह में, नाक में, आँखों में, कान में और आपके दोनों बाहों भुजाओं में और जांघों में इस प्रकार से पानी को बाएं हाथ में लेकर के उसको स्पर्श कर लें और शेष जल को अपने ऊपर अवसिंचित कर लें, यह कर्मकांड कर लें। इसके पश्चात में पृथ्वी माता की पूजन कर दें, एक चम्मच जल छोड़ दें, अक्षत पुष्प छोड़ दें, और उसके पश्चात में जो है फिर आपके लिए दीपक जला दें, कलश की पूजन कर दें। इन सब करने के बाद में फिर आपको जो है गुरु का आह्वान कर लें, यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो गुरुदेव को और समस्त देव शक्तियों को प्रणाम करके, और फिर आप गायत्री मंत्र की माला प्रारंभ करें। यह क्रम आप जो है दैनिक साधना में भी आपको करना है और लघु अनुष्ठान और सवा लाख के अनुष्ठान में भी इसी प्रकार से आपको षटकर्म की क्रिया करना है। मंत्र पूर्ण हो जाने के पश्चात में जब आपकी माला पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात में आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, भाई किसी प्रकार की कोई भी हमसे त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आप क्षमा करें, कुछ थोड़ा सा प्रसाद रख दें, आरती कर दें और कलश के जल को जो है सूर्य को आप अर्घ दे दें। तो ये दैनिक साधना में आपको तीन माला कम से कम आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए जिनके पास में समय है। जिन माताओं बहनों के पास में समय नहीं है वो कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोल लें या कम से कम एक माला का जाप जरूर करें। गायत्री की दैनिक साधना में किसी प्रकार का कोई भी परहेज इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होती है, ब्रह्मचर्य आदि पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लहसुन प्याज इत्यादि जहाँ तक संभव हो नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी कई घरों में बनता रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो। अब यदि आप गायत्री का लघु अनुष्ठान कर रहे हैं, नवरात्रि में कर रहे हैं या अन्य दिनों में आप कर रहे हैं तो 9 दिनों में यह अनुष्ठान पूरा होता है। प्रतिदिन आपको 27 माला का जाप करना पड़ता है। कर्मकांड आपको उसी प्रकार से करना है, कलश रखना है, दीपक रखना है, षटकर्म करना है, देव आवाहन करना है और गायत्री माता गुरुदेव का चित्र रखना है, और उसके पश्चात में जो है आपको 27 माला का जाप करना है। माला समाप्त होने के पश्चात में क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद में जल को जो है सूर्य को आपको अर्घ दे दें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सावमोचन आदि मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो नवरात्रियों में यदि आप करते हैं तो इसमें आपको विशेष ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप
लघु अनुष्ठान कर सकते हैं। लघु अनुष्ठान की पूर्ण सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, कैसे लघु अनुष्ठान करनी चाहिए, इसका भी वीडियो हमने डाले हुए हैं, तो आप उनको वीडियो को देख सकते हैं। संभव होगा तो हम उनकी लिंक इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। इसके पश्चात में जिनके पास में समय नहीं होता है, जिन माताओं बहनों के पास में, या जो व्यक्ति नाइट ड्यूटी वगैरह करते हैं उनके पास में इतना समय नहीं रहता है, तो वो पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिर्फ उसमें ओम भूर भुवा स्वा इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसका भी आप दैनिक साधना में भी कर सकते हैं, एक माला का या तीन माला का जाप कर सकते हैं, या फिर आप यदि लघु अनुष्ठान कर रहे हैं या सवा लाख अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें 27 माला या सवा लाख में 33 माला का आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पंचाक्षरी मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। इसका क्या क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए यह सब हमने वीडियो में अलग से दिया हुआ है, आप उसको सुन लें। माला का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, तो माला जो है आपको तुलसी या सफ़ेद चंदन की माला से ही गायत्री की साधना करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से बार बार लोग पूछते हैं, रुद्राक्ष की माला से तांत्रिक साधनाएं गायत्री की जाती हैं, उससे जहाँ तक संभव हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। तुलसी या सफ़ेद चंदन की माला से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि आप नवरात्रि में अनुष्ठान कर रहे हैं लघु अनुष्ठान, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि अन्य समय पर यदि आप लघु अनुष्ठान या सवा लाख अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी, एकादशी या पूर्णिमा से आप उसको प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। लघु अनुष्ठान में 27 माला, सवा लाख अनुष्ठान में आपको 33 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है। लघु अनुष्ठान में आपको 9वें दिन या 10वें दिन जो है आपको 108 आहुतियाँ गायत्री मंत्र की दे देना चाहिए, और सवा लाख के अनुष्ठान में आपको कम से कम जो है 540 आहुतियाँ या 240 आहुतियाँ आपको देना चाहिए, और संभव हो सके तो प्रत्येक जो बीच बीच में जो आपका रविवार पड़ता है उस रविवार को आपको जो है हवन कर लेना चाहिए, तो फिर ज़्यादा सर्व सुलभ रहेगा। तो इस प्रकार से आपके लिए जो है सवा लाख या लघु अनुष्ठान आपको करना चाहिए। कई भाई बहनों को यज्ञ हवन करने में असुविधा रहती है, खासकर जो विदेश में लोग हैं वो प्रायः हमसे पूछते रहते हैं कि आचार्य जी हवन यहाँ पर सामग्री हमें प्राप्त नहीं होती है, या किस प्रकार से करें। तो उनके लिए हम सर्व सुलभ हवन पद्धति बता रहे हैं, जिसको पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ बोला है। तो जब आपको हवन करना है तो उस समय आप जो है दो कटोरी रख लें, एक कटोरी में जल भर लें, दूसरी कटोरी खाली रखें, और जिस कटोरी में जल भरा हुआ है उससे एक एक चम्मच जल लेकर के गायत्री मंत्र बोलते हुए इस प्रकार से ओम भूर भुवा स्वा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः, इस प्रकार से बोलते हुए दूसरी कटोरी में उस जल को आप जो है छोड़ते जाएं। इस प्रकार से 108 आहुतियाँ आप उसमें दे दें, तो यह एक सर्व सुलभ गायत्री हवन पूज्य गुरुदेव ने बताया, जिसे आप निश्चित रूप से करके इसका लाभ ले सकते हैं। 5 दीपक जला लें और इस प्रकार से आहुति दे दें, जिसे पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ का नाम दिया हुआ है। इसके पश्चात में आता है एक मंत्र लेखन। मंत्र लेखन जिन बहनों को या जिन भाइयों को या जिन विद्यार्थियों के लिए समय नहीं मिलता है, वो मंत्र लेखन प्रतिदिन जो है एक मंत्र लेखन की कापी आप लेकर के आ जाएं गायत्री शक्तिपीठ से, या गायत्री तपोभूमि मथुरा से भी आप संपर्क करके वहाँ से कापियाँ बुला सकते हैं। और यदि आपको उपलब्ध नहीं होती तो आप सादे कागज में भी जो है आप लाल पेन से या नीले पेन से भी आप लिख सकते हैं, डार्ट पेन हो इंक पेन हो किसी से भी आप उसमें लिख सकते हैं। दैनिक समय पर यदि आपको लिखना है तो कम से कम 11 बार या 24 बार आपको नित्य जो है गायत्री मंत्र जरूर लिखना चाहिए। और नवरात्रि में यदि आपको लिखना है, या फिर आप जो है अन्य समय पर जो है 9 दिन का एक अनुष्ठान करना चाहते हैं मंत्र लेखन का, तो 2400 मंत्र का आपको लेखन करना है। 2400 मंत्र में आपको प्रतिदिन जो है 268 या 270 जो है आपको प्रतिदिन जो है मंत्र लेखन करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात में पूजा स्थली पर बैठ जाएं और उस कापी को रख करके आप लिखें। रात्रि में 2 बार में आप लिख सकते हैं, रात्रि में घी का दीपक जला करके फिर उसके समक्ष आप लिखें। तो इस प्रकार से आप 9 दिन में 2400 मंत्र लेखन करेंगे तो जो 24000 का हम लघु अनुष्ठान करते उतना इसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। मंत्र लेखन की साधना बहुत अच्छी मानी गई है। इसके पश्चात जिनके पास में और समय नहीं रहता है तो वो भी गायत्री की साधना से वंचित ना हो, तो वो जो है गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नित्य जो दैनिक साधना में करना चाहते हैं नित्य गायत्री चालीसा का पाठ कर लें, एक बार करें, 3 बार करें, या सुबह शाम दोनों बार कर सकते हैं।
और यदि उन्हें नवरात्रि में गायत्री चालीसा का अनुष्ठान करना है या अन्य समय पर 9 दिन तक करना है तो 12 बार आपको गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए, यानी 108 बार आपको 9 दिन में गायत्री चालीसा का पाठ करना है, जिसमें प्रतिदिन आप 12 बार करें। उसको 2 भागों में आप विभक्त करते सुबह और शाम के समय आप कर सकते हैं। तो ये गायत्री चालीसा का हो गया। इसके पश्चात में मानसिक साधना आप कर सकते हैं, जिनके पास में बिल्कुल भी समय नहीं रहता है वो बिस्तर पर लेटे लेटे या बिस्तर पर बैठ जाएं और कुछ देर तक जो है वो मानसिक जाप कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कभी भी वो लोग मानसिक जाप कर सकते हैं। नवरात्रि में यदि उनके पास में समय नहीं है और या जो लोग बीमार हैं जिनके पास में समय नहीं रहता लेकिन नवरात्रि में चाहते हैं कि हम गायत्री की साधना करें, तो एक समय जैसे आपको पता है कि हम जब स्वस्थ थे तो समय हमें 27 माला का जाप करने में 2 घंटे का 2.5 घंटे का समय लगता था, तो 2.5 घंटे तक कहीं पर भी आप बैठ जाएं, स्नान आदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही बैठ जाएं और आप वहाँ पर 2.5 घंटे तक जो है मानसिक जाप करें। और जो लोग जिनके पास में समय नहीं है वो चलते फिरते मानसिक जाप कर सकते, बहनें जो है खाना बनाते समय चलते फिरते कभी भी गायत्री मंत्र का मानसिक जाप कर सकती है। तो इस प्रकार के दिया जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके लिए निश्चित रूप से कई परेशानियों से उसको मुक्ति मिलेगी, कई समस्याओं को उसको समाधान मिलेगा और ख़ासकर उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। समस्याएँ चली आ रही हैं उन समस्याओं से जूझने का उसके लिए आत्मबल मिलता है, आत्मशक्ति उसको प्रदान होती है। और जब हम किसी अनर्णय की स्थिति में रहते हैं तो हमें माँ जो है वो रास्ता दिखाती है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में निर्णय लें। आपके व्यक्तित्व पर कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जो लोग कल तक आपसे बात नहीं करते थे वो आपसे बात करना पसंद करते थे, लोग आपका मान सम्मान करने लगेंगे, तो कई प्रकार की आपकी जो है व्यक्तिगत व्यक्तित्व में भी आपके परिवर्तन आपको दिखाई धीरे धीरे देने लगेंगे। तो इस प्रकार के यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।